अधिक मास की अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली मन अशांत रहना, देवी देवताओं का प्रसन्न न होना, धन का अभाव रहना, घर में अशांति रहना, या भजन में भी मन न लगना। जो लोग कहते हैं ना भजन में भी मन नहीं लगता, ऐसी कई समस्याओं का समाधान आप अमावस के दिन कर सकते हैं। अधिक मास की अमावस्या के दिन आप इस दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और इसमें भगवान विष्णु का, महादेव का, ब्रह्मा जी समेत कई देवताओं का वास होता है। अमावस्या को पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाएं घी का। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी वहीं हैं रचयिता, विष्णु जी भी पीपल के पेड़ में वृक्ष में निवास करते हैं, सृष्टि के पालक करता, और भूत बावन भोलेनाथ भी वहाँ निवास करते हैं, संहार करता। पृथ्वी के तीनों ही महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मांड के वो पीपल में निवास करते हैं। इसलिए सुबह तो पीपल के वृक्ष को जड़ में जल चढ़ा दें और शाम को पीपल की जड़ में जाकर घी का दीपक जलाएं। इससे आपको उन तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और इससे जो आपके पितृ अप्रसन्न हैं आपके बुरे कर्मों के कारण, क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो इससे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, तो अमावस्या के दिन, जो इस आने वाली अमावस है 16 तारीख को, अगर आप इस दिन घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तो आपके अप्रसन्न पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। और इस दिन पीपल की परिक्रमा करना न भूलें, 5, 7, 11 जितनी हो सके पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। देवताओं का निवास स्थान मानकर उसको नमन करें, प्रणाम करें, इससे आपकी तमाम बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। एक और उपाय बता देते हैं, फिर इसके बाद उपायों का सिलसिला समाप्त कर देंगे, क्योंकि अमावस्या बहुत बड़ा है इसलिए हम बता रहे हैं। अधिक मास अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं आप, वैसे तो हर पूर्णिमा, हर अमावस और हर एकादशी अपने पितरों को भी जल देना चाहिए। पितरों को जल देने का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। पूर्व में सूर्य को दिया जाता है जल और दक्षिण में पितरों को दिया जाता है। अब हमने पहले भी बताया आपको, सूर्य को जल ऐसे दिया जाता है, ऐसे ऊपर से जल की धारा में से आप सूर्य का दर्शन करें, ताम्र पात्र होना चाहिए ऐसे, तो सूर्य का दर्शन हो ऐसे जल दिया जाएगा। ऋषियों को जो जल दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है, लोटा आपका यहां होगा, मुख उसका इधर होगा, ऐसे ऋषियों को जल दिया जाता है। और पितरों को जो जल दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है, अंगूठे के और इस उंगली के बीच में से, ये तीसरा है ध्यान रखना, अंगूठे के और इस उंगली के बीच में से लोटा बीच में आएगा और जल ऐसे उनके बीच में से जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। तो इस तरीके से हमको पितरों को उस दिन, वैसे तो तीनों दिन अमावस, पूर्णिमा और एकादशी, अपने पितरों को जल देना चाहिए, लेकिन इस अमावस्या पे अवश्य दें, अपने पितरों को भी जल दें और सूर्य को जो जल चढ़ाएं आप इस अमावस्या को, उसमें अर्घ देते समय लाल पुष्प डाल लें या फिर लाल चंदन या लाल रोली डाल लें, गुड़ अवश्य डाल लें, मीठा अवश्य डाल लें, और मीठे जल से उस दिन आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य देव का कोई भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, घर में धन की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य भर जाएंगे और आरोग्य, आरोग्य आपके शरीर को सूर्य देव आरोग्यता भी प्रदान करेंगे। इस दिन अमावस्या के दिन ऐसा कार्य अवश्य कर लें। बोलो राधे राधे।
एक और बात बता देते हैं, बड़ी मेहनत करके लाते हैं तुम्हें हर जगह भटकने से बचाने के लिए लाते हैं। आजकल सब पता नहीं जादू टोना टोटका वालों के पास ज़्यादा लोग चले जाते हैं तो फंस जाते हैं, फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में रह जाते हैं और फिर सोई सियावर रामचंद्र की महाराज गुरु जी बोले, हाँ गुरु जी मेरे ऊपर ऊपर लो चक्कर है। अब मैंने कही मैं कहा करूँ मेरे मैं ऊपर ले चक्कर है कहाँ पर देखूँ, ये तो अपनों ही चक्कर ना ख़त्म है रो भाई तक। अब ऐसी वैसी जगह जाओगे तो चक्कर नहीं आएंगे तो क्या आएगा। आप अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो, आपके सारे चक्कर आपके इष्ट अपने आप समाप्त कर देंगे। पर पता नहीं होता ही नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन आप मां तुलसी की पूजा करना ना भूलें, मां तुलसी का पूजन करें, घी का दीपक शाम को जलाएं और 108 बार परिक्रमा तुलसी मां की अवश्य करें। जो भी मनोकामना आपकी पूर्णमासी के दिन होगी ऐसा कार्य करने से, हो सके तो 5 दीपक 11 दीपक, क्योंकि पूर्णमासी है उस दिन, अमावस है और अधिक मास पूर्ण होगा तो 11-5 जो ज्यादा से ज्यादा दीपक अपने मंदिर में भी जलाएं। जो भी आपके घर में सात्विक वृक्ष हैं जैसे बिल्व है और आंवले का है, तुलसी का है, केले का है, इन सभी वृक्षों के नीचे दीपदान उस दिन घी के दीप बनाकर अवश्य करें, तुलसी माँ की 108 परिक्रमा करें, जिससे आपके अनेकानेक काम देवी देवता अवश्य बना देंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उस दिन बड़े पैमाने पर प्रिया कांजू के मंदिर में भी दीपदान होगा। तो जो लोग बड़े पैमाने पे दीपदान करना चाहते हैं वो अभी से, सोमवार को तो लगातार हो ही रहा है और हर सोमवार हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा के जो अमावस के दिन बहुत बड़े पैमाने पे दीपदान यहाँ पर होगा, जिससे आपके तमाम संकट कटें, ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजू सरकार से अमावस के दिन की जाएगी। ठीक है, यहाँ का दीपदान करोड़ों गुना फल देने वाला होगा प्रिया कांजू के यहाँ का। क्यों? एक तो वृंदावन, फिर भी 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनने वाला स्थान, 4 भागवतें जहाँ, 2 भागवत 2 शिव पुराण जहाँ हुए हों, इतना बड़ा अनुष्ठान, दीर्घकालीन सत्र चलाओ, संपूर्णता दिवस हो, तो अमावस के दिन जो यज्ञ होगा यहाँ पर दीपदान का वो अद्भुत होगा और इसका फल भी आपको कई गुना ज्यादा देने वाला होगा। तो आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर दीपदान करा सकते हैं।